समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व कीर्ति निधि पांडे की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए बिजली दर की विरोध में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी केवीएन पांडेन के माध्यम से प्रेषित किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत रेट में वृद्धि कर दिए जाने से आम जनता पर भारी बोझ पड़ा है। हमारी मांग है कि बढ़े हुए विद्युत दरों को तत्काल जनहित में सरकार वापस ले। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे ने कहा, कीर्तन दी पांडे, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे समय में बिजली के दामों को बढ़ाने का काम किया जब उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त है, किसान परेशान और बदहाल है। एक तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, दूसरी तरफ बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुए। हर घर पीछे 50 से 60 रुपया शहरों में, जो 400 रुपये में किसान बिना मीटर के बिजली जला रहा था उसका 500 रुपया कर देना, और गाँव में बिजली की बड़ी दुर्दशा है। किसान सूखा से परेशान है, अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बिजली नहीं पा रहा। ऐसे समय में बिजली के दामों में बढ़ोतरी किसानों के साथ धोखा है, आम लोगों के साथ धोखा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है और ये मांग किया है कि बिजली के बढ़े हुए दाम तत्काल वापस लिए जाए।